भाई हो चुका है आज का ट्रेडिंग टाइम स्टार्ट एंड हम जो भी मुझे लेना है सारे में स्टॉक यहाँ पर मार्क करके रखा हूँ। अब मुझे बस और बस इसको मूवमेंट ट्रैक करना है एंड जो मुझे अच्छा लगे एनालिसिस करके उसको लेना है। तो चलो मैं आप लोगों को सब चेक करके देखता हूँ। और हाँ, ये चल रहा है 15 दिन ट्रेडिंग चैलेंज। इसमें क्या होगा, मैं 15 दिन हर दिन ट्रेडिंग करूँगा और उसका वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, क्या मैं सीख रहा हूँ, क्या एनालिसिस कर रहा हूँ, ये सारे चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इस 15 दिन में जितना भी ट्रेडिंग रिलेटेड आप लोगों को इंटरेस्ट मतलब हो, आप लोगों को जो भी जानना चाहते हो वो सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाए। और आप लोग उसके बाद बिना कोई नुकसान के देखो, आप लोग अगर एक्सपीरियंस लेने जाओगे भाई ट्रेडिंग के ऊपर तो आप लोगों को हो सकते बहुत सारा नुकसान हो जाए, पैसों का लॉस हो जाए, तो वो ना हो इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि लॉस वगैरह जो हो मुझे हो और आप लोगों को भाई एक्सपीरियंस मिल जाए बिल्कुल फ्री में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल में आते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दो। एंड चलो आज का पूरा कैलकुलेशन मैंने क्या किया था, क्या चीज़ें वगैरह सब कुछ आप लोगों को बता दूंगा। और ये वाला जो सिखाया था मैं इंडिकेटर लगाना, ये कल ही शायद बताया था, कल का वीडियो नहीं देखा तो ताकि देख लेना। उसमें आप लोगों को बताया था ये दोनों इंडिकेटर का काम क्या है। एंड आज का जो एनालिसिस करने के बाद मैं ले रहा हूँ मुझे आज कितना प्रॉफिट हो रहा है एंड क्या ले रहा हूँ, कैसे मैं इंडिकेटर किया, आज क्या गलती किया है, क्या कोई अगर किया हो तो क्या गलती है, क्या आप लोगों को वो गलती करना चाहिए या नहीं है, और क्या मैं ठीक क्या हूँ, वो सारी चीज़ बता देता हूँ। एंड चलो फटाफट सब लोगों को दिखा देता हूँ। बॉस आज हम ONGC में गए थे क्योंकि थोड़ा न्यूज़ वगैरह मिल रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाने वाला है प्राइस। देखो भाई, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ज़्यादा ऊपर नीचे जाते हैं, ऐसे ही आप लोगों को स्टॉक मतलब देखना है, जो कि मैंने देख लिया था। देखो आप लोग कितना ऊपर गया था। और मैंने चेक करने के बाद जब मुझे यहाँ पर एक हैमर जैसे कुछ दिखा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कि है ये वाली, ठीक है, कहा गया ये वाली थे, उल्टा थोड़ा सा हैमर देखने को मिलेगा, ठीक आप लोगों को। उसके बाद एक लाल वाला थोड़ा नीचे देखने को मिला, तब मुझे कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई अब प्राइस गिरने वाला है तो मुझे सेलिंग करना है। तो मैंने सेलिंग कर ली है भाई। इस टाइम में देखो भाई, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था तो इतना नीचे आया था, ठीक है, तो लगभग लगभग भाई 2-3 रुपये के आसपास लाया था। मैं 100 लिए थे स्टॉक तो मुझे लगा 200 ही हो रहा है। और मैं जो देखा भाई एक स्ट्रॉन्ग भी इतना ही नहीं, इसमें तो देख रहे मुझे लग रहा था कि नीचे जाएगा। अब इसमें भी देखा मैंने पूरा चीज़ जो आप लोगों को पता होगा, मैं पिछले दिन सिखाया था कैसे दिखता हूँ, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर देखा उस वाले प्राइस सेटिंग में कि भाई हाँ भाई और भी नीचे जाने वाले हैं। ये जो प्राइस सेट है बहुत मतलब अब डाउन ट्रेंड ही चल रहा है तो और भी नीचे जाएगा मुझे ऐसे लगा था, तो उस हिसाब से मैं पकड़ के रखा था। एंड फिर जो ऊपर उठा मतलब इतना अच्छा ट्रेंड जा रहा था ऊपर नीचे इतना तक आया तो एक बार मैं होल्ड किया कि भाई और भी नीचे जा सकते हैं, जैसे कि मैं एनालिसिस किया वगैरह करके। फिर देखा भाई और उतना नीचे गया ही नहीं भाई, फिर एक ही जैसे जगह में ऊपर नीचे जाने लगा। फिर मुझे लगा भाई आज ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, थोड़ा काम है, तो ऐसे जगह आके मैं बेच दिया ऐसे यही ऐसे जगह। एंड फिर जाके देखो भाई फिर से वापस से भाई नीचे गया, मतलब इतना नीचे नहीं है फिर थोड़ा नीचे गया। फिर मुझे भाई क्या ही बोलो, तो इनको भाई बताने के लिए कुछ है नहीं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखो वेट करोगे तो मैं आप लोग कल दिखाया था कि वेट करने का नतीजा क्या होता है, वेट किए थे एंड लास्ट में जाके भाई पूरा कितना ऊपर चला गया था, मतलब जो मैं प्रेडिक्ट किया था पूरा उल्टा हुआ था। तो मुझे लगा था आज भी इतना लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आज भी ऐसा कुछ हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, कल भी बढ़िया वाला लॉस हो गया था। तो सबसे मैंने ठीक किया था कि 1 बजे के आसपास या 1:30 बजे के आसपास बेच दूंगा, बेच मारा था। एंड देखो भाई क्या ही बोले इनको। एंड हाँ, आज मैं सीखने को मिला कि भाई आप लोगों को डील जो चाहे वही करना, आप लोगों को एनालिसिस करना है, उसके बाद आप लोगों को डील जो चाहिए वो करना है, ना कि भाई आप लोगों को डील चाह रहा है कि भाई इसको बेच दूँ अभी और फिर रख लिए। क्योंकि अगर बेच देना चाहते हो ना, फिर अगर आप लोगों को उल्टा हो जाएगा, फिर उतना जितना प्रॉफिट हो रहा था उतना प्रॉफिट ना होगा, तो आप लोगों को तब कैसे लगेगा कि भाई ये गलती कर दी है और उसके बारे में बार बार सोचोगे, ठीक है, ये आप लोगों को होते हैं। तो पहली बारी में आप लोगों को जो लगता है ना वो क्या करो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं वेट करना चाहिए एनालिसिस के बाद कि और भी हो सकते हैं मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो भाई वेट करो। और अगर लगता है कि वेट मत करो तो मत करो, नहीं तो आप लोगों को बाद में भाई पछताते रहोगे ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है। तो मुझे सबको समझ में आया होगा। एंड फाइनली आज प्रॉफिट तो मिला, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, बस 89 रुपीज़ का एक प्रॉफिट मिला, जो कि मैंने शायद 2 ट्रेड लिए थे जिसमें से मुझे 100 रुपये तो चला जाएगा, यानी कि 11 रुपये ऊपर से लॉस ही हुआ है। तो आप लोगों को आज कितना क्या हुआ है कमेंट में फटाफट से बता दिए। और ऐसे ही भाई रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल में आते ही रहते, अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्त लोगों से जो भी शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं उनसे शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। एंड चलो ऐसे टाटा।